भाई राम राम सारे भाइयों ने। आज अपने पास जो गाड़ी आई हुई है, मतलब दूसरे रूममेट की है, बाहर रहता है वो, और जिस तरह मतलब यूएसए फेमस है मोस्टली, जो याडे मिलेगी किसी और कंट्री में तुमने ऐसी गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, वो है जीएमसी के ट्रक, पिकी ट्रक, अपने साइड इन्हें पिक्का बोल दिया अगर ये है वो जी। हो भाई पिक्का ट्रक। और हमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसकी हाइट देखो, छाती थी इसका बम्पर आ गया है, और इसके अगर मैं साइड में लेकर जाऊँ तो मैं ये देखो मैं 6 फुट का हूँ, या बराबर गड्डी देखो, अगर थमने मैं दूर तो दिखाऊँ थोड़ा सा, इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस देखो कितना है। एक या एवरेज नॉर्मल गाड़ी अगर है, एक यो पिक्का। खतरनाक चीज इसमें मैंने के लग गए, अब भाई इतनी खतरनाक हाइट, अंदर इतना बूट स्पेस है, कमरे का कमरा पूरा पूरा कमरा होया करे जूकर। देखो तो हमने अंदर तो दिखाता हूँ, पहले तो हमने इसके हेडलाइट्स वगैरह दिखाता हूँ। ये देखो ये इसका साइड व्यू है, ये था मन इसका, मैं अंदर तो दिखाता हूँ। यह इसकी चाबी है, यह इस तरह बूट स्पेस खुल है, इसका पछले लॉक अनलॉक, इसका पता नहीं हेडलाइट है। अगर मैं इसकी हेडलाइट ऑन करूँगा, एक सेकंड, ये अनलॉक, और रणका था ये सामने, मैं भी खोल के दिखाता हूँ एक बार। इतनी खतरनाक है ना, और तुमने इसमें ना पता हो 5.3 लीटर का इंजन है इसमें, V8 या मेरे साइड में कमारो खड़ी है इसमें भी नहीं है, V6 है इसमें भी। ये इसका अंदर था, इसमें मैं स्पेस इतना ज़्यादा ना, जो कर मैं कह रहा था यार देखो, और गाड़ी में तड़ा बैठाना पड़ा है इसमें, यह है ऊपर चढ़ना पड़ा इसमें। ये एक सेकेंड, ये देखो वो लग गया मेरे नहीं कितनी ऊंचा बैठ गया। अरे सुनो स्पेस देखो, मैं कहती सीधा बैठा हूँ, देखो याड़ा देखो कितना गैप है, और इसमें चढ़ने तो यहाँ लगा रखी हैं, क्यों मैं तो 6 फुट का हूँ, बाकी थोड़ी हूँ। याड़ा स्पेस देखो, ये भी ऑटोमेटिक है अगर नोटिस करे हो तुमने, या इसका गियर याड़ा नहीं है इसका, ये ऑटोमेटिक है, तो याड़ा लीवर होया करे जो भी होता है, ये यहाँ पे है। और इसका या स्पीडोमीटर देखो, इसमें इतनी खतरनाक चीज मैंने सबसे ज्यादा जो लगी ना, पिछला स्पेस है, अगर कोई बंदा पीछे बैठा है ना, सीट बेल्ट या कुछ उसने नहीं लगा रखी है, एकदम गड्डी मोड़ती है, कूण में लग जाएगा गेयर, पति कूण में। एक सेकंड, बच गई, कमारों में लग गए दब गए। ये देखो इसका पीछे का स्पेस, पूरा पूरा कमरा है, अगर मैं इसमें बैठ जाता हूँ अगले अगर रूम देखो कितना है, मेरे पूरे पैर चले गए। याड़ा स्पेस देखो इसमें, आड़ा बीच में, इसमें 3-4 बंदे पछे आराम तय जाए, इसमें पीछे लाइट लूट दे रखी। और अगर तुम यह चीज़ नोटिस करोगे, पीछे भी इसमें है गैप देखो जा कितना ज़्यादा है, और इसमें कई बार क्यों होया जो मैं बैठ गया नहीं, मान ले मैंने गड्डी चलानी है, आम चलावा नॉर्मल गड्डी भाई, अब तद के चला ली, कमारा चला ली, चैलेंजर चला ली, यहाँ चला कर हम इसमें बैठे पर चलो भैया, तो हमने ना पता हो तो फॉर्चुनर तो भी कम से कम 10 फुट ऊंची है, फॉर्चुनर भी इसके आगे बाड़क लग गए, अरे हम फॉर्चुनर का अगर भाई अपनी सब तो ठाड़ी मसल कार है, मसल कार तो नहीं मतलब जो भी होती कार है, अपन इतनी नॉलेज नहीं है। ये इसका 5.3 लीटर V8 GMC, और पीछे तो दिखाऊं तो तुमने ना देखो, मतलब खतरनाक है। एक ही अपने पीछे रही GMC की दिख रही होगी तुमने सारे में, ये मॉडिफाइड है, और दूसरा इसमें तुमने सामने तो फ्रंट तो दिखाता हूँ, इसमें बैठ कर किसा लग गया ना, चालू करके दिखाऊंगा, बस मजा बहन है गाड़ी यार, और नॉर्मल बंदा चला नहीं सकता इन्हें गाड़ी ने, अगर अगर मैं इसमें बैठता हूँ ना, मैं इसमें बैठ गया आगे देखो,
इसका अगर बम्पर स्पेस का आगे का दिखाऊंगा ना एरिया, कम से कम एक गाड़ी तो हूँ आ जा, कितना ऊंचा उठ कर देख लो, साइड मिरर में देख लो, मतलब इसका नू है। अगर अगर जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो अंदाजा लगा कर भाई इतना आगे लेनी है, इतना पीछे लेनी है या कुछ भी, इसका भरोसा नहीं कर सकते। जहाँ तो मैं ये लगे ना हाँ अगर थोड़ा सा स्पेस तो और पड़ा है वहाँ, ये समझ जाओ अड़ी हुई है। अरे अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, वो रेंज रोवर दिखा है वह भी आ जाएगी, और एक होंडा सिविक भी आ जाएगी पुरानी, तो हमने लग रहा होगा भाई सस्ती सी गाड़ी है, इसका क्या रिव्यू कर रहा है। $1,00,000 की पड़ जाए टैक्स समेत या अपने ओडा लगा हुआ तो कम से कम 80 लाख रुपए की गाड़ी है। या अगर अपने इंडिया में ऐसा है तो इंडिया में है नहीं, पर अगर हम ये इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो कम से कम 1.5 करोड़ की पड़ेगी हमें। लुक देखो यार, घना ज़्यादा एग्रेसिव लुक है। ये कमारो खड़ी है, ये भी मतलब जानने वालों की है, साइड में रहते हैं अपने सरदार जिन की है, इसका भी रिव्यू बनाएंगे। मैंने जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर है उनने पोल देखा होगा, मैंने 2 पोल डाल रखे थे, शूटिंग रेंज या फिर कमारो रिव्यू। शूटिंग रेंज का बन नहीं रहा मेरा जाने का, थोड़ा साथ वाले बिजी चल रहे हैं, आज या कल में ना जा, कल तक जाएंगे हम मैक्स टू मैक्स परसों। पर कमारो खड़ी है, सोचा मैंने पहले कमारो का रिव्यू कर लूँगा फिर देखते हैं बाकी का। तो भाई आज तो इतना है, जितना बढ़िया लगे भाई गाड़िया के और भी रिव्यू चाहिए तो बताइयो, अरे अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं तो अगर मैं कमारो का रिव्यू करूँगा, नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करा, थारा भी टाइम वेस्ट करा, जिनसे सपोर्टर सब बने, नहीं फिर मैं USA के ब्लॉग डाल लूँ। तो राम राम सारे भाइया ने, सब्सक्राइब जरूर कर दियो, बाय।